हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो बेटा? देखो आप क्या पढ़ रहे थे बेटा, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब उसी में बेस न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब सीरीज और पैरेलल। सीरीज के कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था? 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, कैपेसिटर के पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? C1 प्लस C2 प्लस C3। हमें ये फॉर्मूला याद रखने फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दूसरा, अगर आपके पास कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड है एक के बाद दूसरा, मतलब उसमें करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, सेम चार्ज क्या दोनों में कैसा फ्लो कर रहा है, सेम, उस सिचुएशन में दोनों किस में रहेंगे? सीरीज में। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये दो कैपेसिटर हैं ऐसे, तब भी ये दोनों किस में? सीरीज में, क्योंकि एक के बाद क्या है, दूसरा है। ये कॉम्बिनेशन भी किस में? सीरीज में। और ये कॉम्बिनेशन भी क्या है आपका? सीरीज है। ठीक है, अगर आपके पास दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हैं तो वो दोनों किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। इस तरह का कॉम्बिनेशन किस में होगा आपका? पैरेलल में। जहां पे दो कैपेसिटर के बीच में ब्रेक आ जाए वहां पे वो कॉम्बिनेशन किस में आ जाएगा? पैरेलल में। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आगे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, कुछ न्यूमेरिकल मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिया, आज फिर और डिस्कस कर रही हूं। जैसे ये आपके पास ए और बी पॉइंट दे रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में सीपी क्या होता है? C1 प्लस C2, तो C प्लस C कितना हो गया? 2C। तो ये एक वायर A से जा रही थी, ये क्या बन गया आपका? 2C। ये क्या था आपका? C, ये B। अभी दोनों एक सीधी वायर में कनेक्टेड है, तो दोनों कैसे कनेक्टेड है अब आपके? ये सीरीज में। अब इनका कॉम्बिनेशन किस में आ गया? ये सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से। तो 1/CS, 1/C प्लस 1/2C, एलसीएम क्या आ गया? 2C। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 1 कितना आ गया? 3/2C। ठीक है, तो CS क्या बन जाएगा आपका? 2/3C। तो ये क्या आ गया? A और B के बीच में क्या आ गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। समझ आया बेटा? लिखिए जल्दी से इसको, लिख लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये आपके पास ये कैपेसिटेंस ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। इधर क्वेश्चन वही है, ये भी 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस है, ये भी 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस है, ये भी 1 माइक्रो फैराड, ये भी 1 माइक्रो फैराड, ये भी 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, पूछ रहा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस तरीका आना चाहिए भाई। या फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट पॉइंट ए एंड बी। ठीक, कैसे निकालेंगे? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में है। देखो दोनों का पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये कॉम्बिनेशन भी किस में है? पैरेलल में। और ये वाला कॉम्बिनेशन भी किस में आपका? पैरेलल में दिख रहा है सीधा सीधा, किस में है ये कॉम्बिनेशन आपका? पैरेलल में है। ठीक है, तब रिजल्ट निकालते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? C
सीपी क्या होगा, सी वन प्लस सी टू, तो वन प्लस वन कितना आ गया, टू माइक्रो फेरड। ये भी कितना आ जाएगा, क्योंकि सीपी का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, सी वन प्लस सी टू, और वन बाई सी एस क्या हो जाएगा, वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। और सी एस वालों को शॉर्टकट में मैं कैसे करूंगा, अगर सिर्फ दो के लिए बात करते हो, जैसे वन बाई सी एस है सी वन प्लस वन बाई सी टू, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी वन सी टू एलसीएम, सी टू प्लस सी वन, तो सी एस क्या बन जाएगा, सी वन सी टू, सी वन प्लस सी टू। तो जब मैं शॉर्ट में दो रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में, तो मैं इसको यूज कर लूंगी डायरेक्ट, सी एस वाले का सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू। इसको नोट कर लेना, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो मैं शॉर्टकट डायरेक्ट इसको यूज करूंगी, ठीक है, ना कि इसको, ठीक है, पहले मैं इसी को यूज, बाकी जर्नली ये है शॉर्टकट के लिए मैं इसको यूज कर लूंगी, ठीक है। तो ये पैरेलल में क्या बन जाएगा, सीपी वन प्लस वन टू माइक्रो फैरड। अब सर्किट देखो किस तरीके से बन गया, ये एक पॉइंट जैसा था वैसा ही, ये क्या बन गया टू माइक्रो फैरड, ये बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है वन माइक्रो फैरड का, और ये फिर आपका कैसा आ गया टू माइक्रो फैरड, ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच में ही निकालना था। अब ये तीनों किसमें कनेक्टेड है आपके, सीरीज में, इसमें है सीरीज में, तो तीन है तो सीधा लिखेंगे वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, वन बाई टू प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई टू, एलसीएम ले लो टू, वन प्लस टू प्लस वन कितना हो गया फोर बाई टू, कितना आ गया टू, तो सी एस कितना हो जाएगा वन बाई टू, जीरो पॉइंट फाइव माइक्रो फैरड। तो ये क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस व्हिच इज द कैपेसिटेंस बिटवीन, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ आ रहा, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं बेकार सी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बस इस तरीका समझाने के लिए है कि आपको सीरीज और पैरेलल देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ूंगी, हो गया, अगला एक क्वेश्चन और देखो, लिख लिया सबने ये, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास कोई पॉइंट है P और ये यहां से ये कोई पॉइंट है P, एक कोई पॉइंट है Q, ठीक है। अब आपके पास यहां पे एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, यहां पे भी एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, फिर यहां पे एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटेंस आपका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ ये सी 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 दे रखा है, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू कैसे निकालोगे, देखो ये P है ना, कैसे कनेक्टेड है, ये और कॉम्बिनेशन देखो, एक के बाद दूसरा एक सीधी वायर से ही तो कनेक्टेड है ना, बीच में कोई ब्रेक थोड़ी ना है कि दूसरा कैपेसिटेंस आ रहा है। जैसे मैं आपके पास यहाँ बैटरी लगाऊं सपोज, तो देखने का तरीका किसी को ना समझ आए, तो इसका ये वाला पॉजिटिव, तो ये इसका कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि देखो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, फिर ये आपके पास पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फिर ये आपके पास यहां से करंट फ्लो कर रहा आपके पास इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस तरीके से सारे क्या होंगे कनेक्टेड होंगे, जब एक का पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, तो किसमें होते हैं सीरीज में, तो ये सारे कॉम्बिनेशन किसमें आपके सीरीज में, ये सारे किसमें कनेक्ट, क्योंकि सारे अलग अलग पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, तो ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। पैरेलल में मत समझ लेना कि ये ऐसे आपस में, क्योंकि देखो ये ऊपर वाला पॉजिटिव पोटेंशियल से है लेकिन नीचे वाला नेगेटिव पोटेंशियल से है, ठीक है। हाँ अगर ऐसे होता ना, ये ऐसे और ये ऐसे, कि जब दोनों सेम पोटेंशियल से होते यहां पे ऐसे, तो यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव, तो ये पैरेलल में होता है, ठीक है।
तो ये किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। तो इस सीरीज बस ये देखना है कि जो सेम पोटेंशियल होगा तो पैरेलल और पोटेंशियल डिफरेंट है तो किसमें हो जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला 1/CS, ये क्या है, ये सारा 1 माइक्रोफेराड, ये भी 1 माइक्रोफेराड है, ये भी 1 माइक्रोफेराड है, ये भी 1 माइक्रोफेराड है, ये भी 1 माइक्रोफेराड है। क्या बनेगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो क्या बनेगा ये आपके पास, 1/1 1/1 फोर बन गया आपके पास। तो सी एस क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से ये 4 माइक्रोफेराड, क्या बन जाएगा, 1/4 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो इस तरीके से इन कॉम्बिनेशन को हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आ गया, लिखिए जल्दी से इसको। देखो इसको अगर आप ऐसे करते हो ना, 1/1 एक बार देखो, अगर इसको सी मानते हो, सी की सारे सी सी है, सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड, तो ये बना सी सी सी। देखो ये आंसर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो ये बनेगा 4/C, हम 4 4 4 लिख गए। ठीक है, तो सी एस बनेगा आपके पास C/4, और ये वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराड, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 1/4। समझ आ गया, तो इस तरीके से क्या कर लोगे, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। हटा दो ये, ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे इस तरीके से दे रखा क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है आपके पास 2 माइक्रोफेराड, ये यहां से ऐसे, फिर ये दे रखा आपको 1 माइक्रोफेराड, फिर ये आपके पास 2 माइक्रोफेराड, फिर ये आपके पास 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, और ये फिर आपके पास यहां से 2 माइक्रोफेराड, यहां से फिर आपके पास ये 2 माइक्रोफेराड, यहां से फिर आपके पास ये 1 माइक्रोफेराड, यहां से फिर ये कितना है, 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, यही दे रखा है क्वेश्चन में, ये पॉइंट दे रखा आपका ए, ये एक पॉइंट दे रखा आपको बी। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, देखो आगे से सोल्व करें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चंस को जनरली पीछे से सोल्व करना, जहां आगे से करो या पीछे से करो, जहां से तुम्हें इजी लगे वहां से सोल्व करना स्टार्ट करो, जनरली ऐसे क्वेश्चंस को पीछे से सोल्व करते हैं। तो देखो ये दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको, देखो एक के बाद दूसरा है, कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है इन दोनों के बीच में, देखो इस वायर से इस वायर के बीच में कोई वायर ब्रेक नहीं हो रही, हाँ अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करके कोई कैपेसिटेंस रख तो ये पैरेलल में हो जाते, अब यहाँ पे सीधी वायर से कनेक्टेड है तो दोनों में करंट क्या फ्लो करेगा, सेम फ्लो करेगा, तो ये दोनों किसमें आपके सीरीज में। ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला 1/CS, CS का सीधा लगा दूं मैं, C1 C2 C1 प्लस C2, मैंने अभी बताया था अगर दो कैपेसिटर होंगे तो मैं शॉर्टकट ये लगाऊंगी, एलसीएम क्या ले लिया, C1 C2 C2 प्लस C1, तो सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 C2 C1 प्लस C2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये लगाऊंगी, तो सी देखो 2 × 2 2 प्लस 2 क्या बना, 4 / 4, तो 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो देखो मैं इसको हटा दू यहीं पे, देखो मैं सर्किट को सोल्व करती जाती हूँ, तो ये बना आपके पास 1 माइक्रोफेराड, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ये कितना आया, 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब यहाँ पे ये
टू माइक्रो फैराड और ये यहाँ पे आपका 1 माइक्रो फैराड। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी आप एक लाइन में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, 1 माइक्रो फैराड, ये 2 माइक्रो फैराड, ये आपका 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब ये दोनों किस में है? देखो पैरेलल में, किस में है ये? पैरेलल, पैरेलल में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइक्रो फैराड। तो ये सर्किट क्या बन जाएगा? अब यहां से यहाँ पे क्या आ गया? 2 माइक्रो फैराड, ये भी 2 माइक्रो फैराड, फिर ये यहाँ पे ऐसे, फिर ये जैसा चल रहा है वैसे चलने दो आगे वाला सर्किट, क्योंकि मैं पीछे से सर्किट को सोल्व कर रही हूँ। तो ये 2, ये बचा आपका 1 माइक्रो फैराड, ये 2 माइक्रो फैराड, ये 1 माइक्रो फैराड और ये आपका फिर 2 माइक्रो फैराड, और ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। इतना समझ आ गया सबको? अब ये दोनों फिर से देखो किस में आए? सीरीज में। किस में आ गए? सीरीज में। सीरीज में करूंगी तो भाई C1 C2 C1 प्लस C2, 2 क्रॉस 2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 4 बाई 4, तो ये 1 माइक्रो फैराड आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइक्रो फैराड, जैसे ऊपर आई हुई है। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे आप यहां से, तो ये बन गया आपके पास 1 माइक्रो फैराड, ये भी 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये सर्किट यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये 2 माइक्रो फैराड, ये भी आपका 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, समझ आ गया? ये आपके पास ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये 1 माइक्रो फैराड, ये 2 माइक्रो फैराड। इन दोनों को फिर सोल्व करो, ये सीरीज में है तो क्या बन जाएगा? 1 क्रॉस, पैरेलल में 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 2 माइक्रो फैराड। तो ये बन गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, यहाँ से ये एक कैपेसिटर, ये ए और ये आपका बी, ये दोनों फिर किस में? आपके सीरीज में। क्योंकि देखो ये नहीं है इसके साथ, क्योंकि इससे एक वायर यहाँ पे जब करंट आएगा तो आधा इधर फ्लो कर जाएगा आधा इधर। जैसे यहाँ से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर चला जाएगा। जहां पे चार्ज डिवाइड हो जाए मतलब वहां सीरीज नहीं है, जहां पे चार्ज का फ्लो सेम रहेगा मतलब वहां किस में है? सीरीज में है। क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज। तो ये क्या बन गया आपके पास? ये कितना था आपके पास? 2 माइक्रो फैराड, ये भी कितना है? 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 क्रॉस 2 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 1 माइक्रो फैराड। तो इसको जब फिर सोल्व करेंगे तो ये 1 माइक्रो फैराड, ये भी आपके पास 1 माइक्रो फैराड और ये आपका है यहाँ पे 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए, ये एक पॉइंट बी। अब ये दोनों फिर किस में है? पैरेलल में। तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो फैराड। तो यहां से फिर ये 2 माइक्रो फैराड और ये है आपके पास ए, ये आपके पास बी। ठीक है, इतना लिखो एक बार, फिर आगे सोल्व करते। देखो एक बार फिर से समझाती हूँ, मैं एक लाइन में भी क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगी। मैं सर्किट को सोल्व करना बता रही हूँ, सर्किट को मॉडिफाई कैसे करूंगी, मैं इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में सोल्व कर दूंगी। ठीक है, पर देखो सबसे पहले मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन को पीछे से सोल्व कर लो जनरली। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ये दोनों किस में दिख रहे हैं? देखो सीधा सीधा दिख रहे हैं कि यहाँ से जो चार्ज आएगा, जो इसमें से फ्लो करेगा वो यहाँ फ्लो करेगा। तो ये दोनों किस में? सीरीज में। तो इस सीरीज के कम्बिनेशन से 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 यहाँ पे था एज इट इज लगा दिया। ये दोनों फिर किस में आ गए? पैरेलल में। ठीक है, इनके पैरेलल से फिर 2 बन गया, तो ये वाला 2 और ये 2, ये सोल्व हो गया सर्किट में। ठीक है, फिर इन दोनों के कम्बिनेशन से सीरीज में ये बना, फिर यहां से ये बन जाएगा। तो एक बार क्या बनेगा? सीरीज, एक बार क्या बनेगा? पैरेलल, एक बार क्या बनेगा? सीरीज, एक बार क्या बनेगा आपका? पैरेलल। ठीक है, अब इसको हटा दो, इसको लिख लिया सबने, ये नोट डाउन कर लिया, हो गया। आगे देखो, अब देखो इस वायर को सीधा ऐसे, देखो ये वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, उसको मैं ऐसे पकड़ के सीधा खींच दूं, इस वायर के बी और ए पॉइंट को ऐसे पकड़ के सीधा खींच सकती हूँ, या वैसे सीधा सीधा दिख रहा है दोनों किस में? सीरीज में। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये ए, ए के साथ एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये और ये बी आपके पास। इस सर्किट को मैं ऐसे ले, ये कॉम्बिनेशन किस में? आपका सीरीज में। ठीक है,
ये कितना था आपके पास 2 माइक्रोफेराड, और ये भी कितना 2 माइक्रोफेराड, ये भी 2 माइक्रोफेराड, ये भी कितना 2 माइक्रोफेराड, ये दोनों किसमें सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला C1C2C1+C2, 2×2, 2+2 कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। तो इस तरीके से आप ए और बी के बीच में क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस। तो ये ए और बी के बीच में क्या आ गई, इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में सोल्व करती हूँ। देखो लिख लिया सबने, ये सर्किट को मॉडिफाई करना आना चाहिए, जब प्रैक्टिस करोगे तब अच्छे से आएंगे ये चीजें। देखो ये एक लाइन में कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों, इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बना 1 माइक्रोफेराड। मैं हटा दूं इसको यहाँ पे, तो ये बन गया आपका 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड पैरेलल में कितना बन गया 2 माइक्रोफेराड। इसको हटा दो यहां से, तो ये बन गया कितना 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब ये दोनों फिर किसमें है, सीरीज में, तो इससे फिर क्या बन जाएगा 1 माइक्रोफेराड। अरे 2×2, 2+2 क्या बना 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, इसको हटा दो यहां से, ये क्या बन गया आपका 1 माइक्रोफेराड। फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर इससे क्या बन जाएगा 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, पैरेलल में दोनों का ऐड करेंगे तो ये बन गया आपके पास 2 माइक्रोफेराड। फिर ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में, फिर वो 2×2, 2+1 माइक्रोफेराड आएगा, इसको हटा दो, ये कितना बन गया 1 माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड कितना बन जाएगा 2 माइक्रोफेराड, तो ये कितना बन गया 2 माइक्रोफेराड। ये दोनों फिर सीरीज में, कितना आ जाएगा आंसर 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, आप मैं एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती थी, लेकिन मैंने आप लोगों को खोल के दिखाया कि आप सर्किट को मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे। समझ आया कि आपको सर्किट को कैसे मॉडिफाई करना, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा ही एक आपका, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा ही, ये एक सर्किट दे रखा है आपको। आज मैं आपको सिर्फ यही समझाऊंगी कि सीरीज और पैरेलल की क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, देखो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको गिवन है, वो ही पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल देखो, मैंने कहा था सर्किट को पीछे सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ये कैसे कनेक्टेड है, तीनों देखो, एक के बाद दूसरा है ना, यहां से जो चार्ज फ्लो करेगा सब में सेम चार्ज फ्लो करेगा, तो ये तीनों किसमें है, सीरीज में। किस कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज में। ठीक है, तो देखो, और ये दोनों किसमें है आपके, पैरेलल में। ठीक है, पहले मैं अभी उसको सोल्व कर लेती हूँ, देखते हैं उससे क्या रिजल्ट बनता है। तो क्या बनेगा, जब बहुत बड़ा सर्किट का नेटवर्क होता है तो नेटवर्क को खोलते हुए जाना होता है। ठीक है, अब इन तीनों से एक रिजल्ट बनेगा, ये भी 10 है, ये भी 10 माइक्रोफेराड, ये देखो कितना आया, सीरीज में है ना, तो 1/CS 1/60+1/60+1/60 कितना आया 3/60, मतलब 1/20। तो सी एस की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया 20 माइक्रोफेराड। अब ये तीनों देखो, अब ये दो तो पैरेलल में थे ही, ये पॉइंट बी रहा आपका। ठीक है, अब ये तीनों किसमें आ गए आपके पैरेलल में, ये तीनों किसमें आपके पैरेलल में। सर्किट को खोलते हुए चलना है, ठीक है, धीरे धीरे देखते हुए, क्योंकि जब बहुत बड़ा नेटवर्क होता है तो डायरेक्ट समझ नहीं आता। अब मैं जैसे 3 कैपेसिटर ऐसे लगा दूं तो सबको समझ आ रहा है कि तीनों किसमें है, पैरेलल में। ऐसे लगा दूं तो समझ आ रहा है कि तीनों किसमें है, सीरीज में। जब बहुत बड़ा नेटवर्क होता है तो सर्किट को खोलते हुए चलना होता है हमें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा यहां से, ये केस में है पैरेलल में, तो सीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, C1+C2+C3। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखो सीपी क्या बन जाएगा, 10+10+20 कितना बन गया 40 माइक्रोफेराड। क्लियर, इतना जल्दी से नोट करो। अब इसको आगे मैं बना दूं, यहाँ पे
तो इन सब का कॉम्बिनेशन कितना आ गया था 20 माइक्रो फेरड। इसको मैं हटा दूं यहाँ से, ये हटा रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ये है आपका 40 माइक्रो फेरड, ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। तो ये यहां से 40 और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक रिजल्ट मिल गया आपको सीधा करके वायर में, ये कितना बन गया 40 माइक्रो फेरड, ठीक है। ये रहा बी और ये रहा है, अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में। क्या बनेगा 1/40 + 1/40, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2/40, तो ये बन जाएगा 1/CS, तो CS की वैल्यू 1/20, तो CS कितना बन जाएगा 20 माइक्रो फेरड, ठीक है। इस तरीके से क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, इस तरीके से सोल्व, बिल्कुल समझ आ गया। देखो फिर से देखो, ये आपके पास कैपेसिटर दे रखा था, ये तीनों बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहे हैं। देखो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज आएगा तो देखो यहाँ से यहाँ डिवाइड हो जाएगा चार्ज का फ्लो, तो जब चार्ज डिवाइड हो गया मतलब वहां पे चार्ज सेम नहीं है, मतलब सर्किट किस में है, पैरेलल में। जब चार्ज का फ्लो सेम होगा सर्किट किस में रहेगा, सीरीज में। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, एक के बाद दूसरा कनेक्टेड, तो तीनों किस में है, सीरीज में। तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट मिल गया। अब ये तीनों किस में, पैरेलल में सीधे सीधे दिख रहे हैं, क्योंकि सारे सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, ऊपर भी और नीचे, ठीक है। इनके पैरेलल से एक रेजिस्टेंस मिला 40, तो अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला लगा के सीएस निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन में पूछ रहे टोटल चार्ज फ्लो इन द सर्किट वगैरह, इफ यहां से मान ले 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी उसने, कितने की बैटरी लगा दी 100 वोल्ट की, इफ पोटेंशियल 100 वोल्ट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड टोटल चार्ज फ्लो, क्या निकाला है, टोटल चार्ज फ्लो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया टोटल सर्किट का, हटा दो एक बार इसको, लिख लिया सबने, तो देखिए आगे तो ये बना बेटा आपका, तो सीएस कितना आ गया 20 माइक्रो फेरड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया आपका 20 माइक्रो फेरड। क्यू क्या होता है, सीवी, तो क्यू सी कितना है 20 टोटल, माइक्रो मतलब 10^-6, पोटेंशियल कितना आपका 100, कितना आ गया 20 × 10^-4, क्या आ गया 2 × 10^-3, तो 20 मिली कूलम। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर, 2 मिली कूलम चार्ज जो है इस सर्किट के अंदर आपका फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा आपका 2 मिली कूलम चार्ज जो है सर्किट में फ्लो करेगा। क्लियर हो गया, हटा दो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, बस आप लोगों को सीरीज पैरेलल देखना आना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी। एक और क्वेश्चन में बनाती हूँ सर्किट, देखिए आपके पास ये एक कैपेसिटर दे रखा है, और सी की वैल्यू मान लेते हैं 1 माइक्रो फेरड। क्वेश्चन में कुछ अलग होगी, मैंने तो इजी सॉल्यूशन के लिए मान ली, ठीक है। पूछ रहा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन देखो, देखने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, पर क्वेश्चन को देखते चले जाओ। देखो इन दोनों के बीच में चार्ज सेम फ्लो करेगा ना, यहां से जो चार्ज आएगा दोनों में सेम फ्लो करेगा ना भाई, यहां से जो चार्ज आया तो इधर भी उतना, यहां चार्ज आएगा तो इन दोनों में से सेम जाएगा, लेकिन इधर डिवाइड होके जाएगा। तो ये दोनों तो किसमें दिख रहे हैं आपको, सीरीज में, और ये दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में, बोलो दिख रहे हैं। थोड़ा इतना ही समझ आ रहा है, अभी सर्किट में इसको सोल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं।
तो ये आपके पास सी, ठीक है, और ये है आपके पास, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब सीपी, 1 माइक्रोफेराड प्लस 1 माइक्रोफेराड, सी की सी सी है, सी की वैल्यू कितनी रखी, 1 माइक्रोफेराड, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 माइक्रोफेराड। तो यहां से ये एक कैपेसिटर था सी, और ये यहाँ पे मिल गया आपका, ये 1 माइक्रोफेराड था, ये सब 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है, तो ये मिल गया आपको 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब आगे इसको और सोल्व कर लेते हैं, ये सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला सी एस, 1 क्रॉस 1 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास यहां से, ये तो ऑलरेडी 1 माइक्रोफेराड है, अरे सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड है, ये भी 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है, और ये कितना आ गया, 1/2 माइक्रोफेराड। अब यहां से एज इट इज, अब देखो यहां से ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में, और ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में, ये कॉम्बिनेशन किसमें दिख रहा है, सीरीज में, और ये कॉम्बिनेशन किसमें दिख रहा है आपको, पैरेलल में दिख रहा है ना, ये आपका बी पॉइंट है, तो पैरेलल का मतलब सीपी, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, वैल्यू देखो बेटा कुछ भी हो सकती है, वो हो सकता है यहाँ पे अलग अलग दे देता सबकी वैल्यू, बस समझ आना चाहिए सीरीज पैरेलल क्या है आपके पास, कितना बन गया, 3/2, ये सीरीज में, तो सी एस 1 क्रॉस 2 1 प्लस 2 2/3, ठीक है। अब सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी एस, ये सी एस में यहाँ लिख रही हूँ 1/2, ठीक है, थोड़ा मैं हटा रही हूँ यहाँ से, तो ये सर्किट जब मॉडिफाई करोगे तो ये बना आपके पास, ये बी पॉइंट, ये आपके पास है 1 माइक्रोफेराड, ये ए पॉइंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, ये 2/3 माइक्रोफेराड, ये कितना बना हुआ है, 2/3 माइक्रोफेराड, ये कितना बना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, 3/2 माइक्रोफेराड, ये बना हुआ है 3/2 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, किसमें है ये, पैरेलल, तो सीपी 2/3 प्लस 3/2, ठीक है, तो एलसीएम आ गया 6, तो 3 2 2 4 2 3 3 9, तो 13/6, तो ये बन गया आपके पास 1 माइक्रोफेराड, और ये वायर को सीधा करूंगी बी वाली को, तो ये बन गया आपका 13/6, ये बी पॉइंट। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, किसमें है ये, सीरीज में, तो सीरीज में बन जाएगा 1 क्रॉस 13/6, 1 प्लस 13/6, तो ये 13/6 तो ऊपर है ही, एलसीएम लोगे 6, तो 6 प्लस 13, ये बना आपके पास 13/6, ये 6 ऊपर चला जाएगा 19, 1 6 से 1 6 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13/19, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा आपका, 13/19, समझ आया, क्लियर हुआ कुछ क्वेश्चन। फिर से देखो, आपको ये दिख रहा था ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल, सीरीज और पैरेलल इन दोनों को सोल्व करा तो ये मिल गया। अब ये दोनों आपस में किसके हो गए, इसके पैरेलल में, और ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो इन दोनों को सोल्व करा तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब इन दोनों से एक कॉम्बिनेशन, पैरेलल से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि ए की किसमें हो जाएगा, सीरीज में। अब यहां से आप क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, बिल्कुल इजी सर, ना भी समझ आए तो वायर को सीधा करके देखो, समझ आया, क्लियर हुआ, लिखो जल्दी से क्वेश्चन को, जल्दी करिए क्वेश्चन को भाई। फिर एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं आपका, हो गया बेटा, हटा दो क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देगी, इसके बाद हो गया ना सबका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देगी, ये कह रहा है आपके पास ये एक बैटरी है, ये दो कैपेसिटर कनेक्टेड है,
एचसी वर्मा का क्वेश्चन है आपका, ये 5 माइक्रोफेरड, ये 6 माइक्रोफेरड, ये 6 माइक्रोफेरड, ये एक बैटरी लगा रखी है इसने यहाँ पे, तो इसका ये एंड माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये दोनों कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है ये भी ये देखना है। यहां से पूछ रहा है सर्किट में फाइंड द चार्ज फ्लो इन द सर्किट, चार्ज फ्लो इन द सर्किट पूछ रहा है, फाइंड द चार्ज फ्लो इन द सर्किट। तो ऐसे सर्किट में देखो जब ना समझ आए तो देखो ये सर्किट की बैटरी लगी हुई है ना, तो इस सर्किट को थोड़ा पहले मॉडिफाई, वैसे तो दिख रहा है देखो इन दोनों कैपेसिटर के पॉइंट एक नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये किसमें है पैरेलल में ना कि सीरीज में। अरे दोनों के कॉमन पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है इन दोनों कैपेसिटर के एंड किससे कनेक्टेड है नेगेटिव पोटेंशियल से, तो किसमें है ये पैरेलल में। नहीं समझ आ रहा तो फिर से समझाती हूँ। इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट ले लो, ये नेगेटिव प्लेट एक ले ली, एक नेगेटिव प्लेट ये ले ली, ठीक है। इन दोनों कैपेसिटर की देखो ये वाली जो प्लेट है यहां से किससे कनेक्ट होगी नेगेटिव पॉइंट से, इसी तरह ये वाली जो प्लेट है ये 10 वोल्ट बैटरी बन गई, ये 5 माइक्रोफेरड, ये 6 माइक्रोफेरड, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अब सर्किट को मैंने यही बनाया, इक्विवेलेंट सर्किट है ये, देखो कैसे, देखो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दोनों कैपेसिटर के नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, या मैं कहती हूँ इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है सी, और ये है आपके पास बी, और ये है आपके पास ए, और ये है आपके पास डी। देखो इसका पॉजिटिव वाला एंड डी था ना नेगेटिव, पॉजिटिव से, ठीक है। तो देखो बी और सी, बी और सी प्लेट दोनों किससे कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, तो बी और सी प्लेट दोनों किससे कनेक्टेड हो गई नेगेटिव से ना, ए और डी किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से। यहां से देखो ये ए और डी, यहां से इसका ये पॉजिटिव से, इधर से ये इसका ये यहाँ पे पॉजिटिव से, तो बस उसको अरेंज करके ऐसे कनेक्ट कर दिया, बस मैंने कुछ नहीं करा, थोड़ा सा सर्किट को इजी करके बना दिया। अब तुम्हें दिख रहा है सीधा सीधा कि ये दोनों सर्किट किसमें है आपके पैरेलल में, किसमें है पैरेलल में, पैरेलल में क्या बन जाएगा 5 प्लस 6 कितना बन गया 11 माइक्रोफेरड, ठीक है। हो गया सर्किट सोल्व, तो ये बन गया 11 माइक्रोफेरड, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो क्यों क्या होता है सी भी, सी कितना 11 × 10⁻⁶ और ये कितना 10, तो कितना आ गया 11 × 10⁻⁵ कूलम। तो चेक कितना सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा, 11 × 10⁻⁵ है कूलम चार्ज जो है आपका सर्किट में फ्लो करेगा। समझ आया, नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन को। हो गया, जल्दी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करती हूँ। अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी, इसमें कुछ नहीं था, ये देखना था ये सीरीज में है या पैरेलल है, बस इतना सा कंसेप्ट समझ आना था। दिख रहा था कि इन दोनों प्लेट एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है, दोनों किसमें पैरेलल में, मैंने कुछ नहीं करा, बस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करके इजी बना दिया। तो डायरेक्ट दिख गया कि दोनों किसमें पैरेलल में, सीपी निकाल दिया, पोटेंशियल दे रखा है, तो सर्किट में क्या निकल जाएगा चार्ज फ्लो इन द सर्किट। समझ आ गया, जल्दी बनाइए क्वेश्चन को, बना लिया बेटा क्वेश्चन, हो गया। आगे देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास क्या दे रखा है 20 माइक्रोफेराड एक कैपेसिटर दे रखा है, ये सी वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में क्या रखा है द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितनी है 4 माइक्रोफेराड, ठीक है, कितनी है 4 माइक्रोफेराड,
ए पार्ट ने पूछा है फाइंड सी, फाइंड सी। बी पार्ट ने पूछा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर फाइंड ऑन चार्ज, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ वी इज इक्वल टू 12 वोल्ट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। सी पार्ट में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन का ये पार्ट देखिए, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं सीरीज में, किसमें दिख रहे हैं आपको सीरीज में, देखो ये दोनों कैपेसिटर क्या है सी सीरीज में, और सी इक्विवेलेंट दे रखा है आपको कितना 4 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास सी इक्विवेलेंट क्या बनता है सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू, तो कितना हो गया 20 × C 20 + C, तो ये बन गया 20 C 20 + C, और C इक्विवेलेंट कितना दे रखा आपको 4। आपके पास C इक्विवेलेंट दे रखा किसके बीच में, दोनों का टोटल कैपेसिटेंस बीच में कितना है 4 माइक्रोफेरड, तो कितना बन जाएगा इन दोनों को सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा ये 80 + 4C = 20C, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो 80 = 20C - 4C, तो 80 = 16C, तो 80/16 कितना बन जाएगा 5, तो C कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफेरड। तो इस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, आपके पास ये 20 माइक्रोफेरड और ये कितना बन गया अब आपका 5 माइक्रोफेरड। क्वेश्चन का ये पार्ट समझ आया कि उनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा था 4 माइक्रोफेरड, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू बतानी थी पहले पार्ट में, तो फाइंड सी पहले पार्ट में क्या बताना था आपको सी की वैल्यू कितनी, वो कितनी आ गई 5 माइक्रोफेरड। अब सर्किट में ये बन गया आपका 5 माइक्रोफेरड। बी पार्ट में पूछा चार्ज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, ठीक है, याद आ तो एक बार लिख लिया सबने, नोट कर लिया चार्ज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। चार्ज देखिए क्यों क्या होता है सी, दोनों किसमें सीरीज में, तो क्यू क्या होता है सी, तो क्यू सी कितना दे रखा आपको टोटल, टोटल सी सीरीज का निकालो पहले, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे 12 वोल्ट, कितनी दे रखी है 12 वोल्ट, तो ये बन जाएगा सीरीज में है तो सी एस 20 × 5 20 + 5 कितना बन जाएगा ये 20 × 5 / 25, वो दे रखा था 4 माइक्रोफेरड, ठीक है, देखो निकल भी गया 4 माइक्रोफेरड दे भी रखा था, ठीक है। सी एस सी कितना दे दिया आपके, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 4, पोटेंशियल कितना है 12, कितना आ गया 48 माइक्रो कूलम, अरे ये 4 माइक्रोफेरड है ना, तो कितना बन गया 48 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब देखिए दोनों किसमें सीरीज में, किसमें सीरीज में, तो चार्ज दोनों के अक्रॉस कितना फ्लो करेगा 48 माइक्रो कूलम, लिख लेना बिकॉज बोथ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज सो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम, क्योंकि दोनों किसमें सीरीज, और सीरीज में दोनों के अक्रॉस चार्ज क्या फ्लो करेगा आपका सेम फ्लो करेगा, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया, अरे हो गया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हटा दू नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस के दो तरीके बन सकते हैं, क्यू किसके बराबर है सीवी के, ये दोनों किसमें सीरीज में, तो मैंने बताया था ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हें V1 निकाल रहा हो, मैंने केस करवाया था,
क्या होगा आपके पास सी वन अपॉन में सी वन प्लस सी टू इंटू टोटल पोटेंशियल, ठीक है, और वी टू निकालोगे तो सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू इंटू टोटल पोटेंशियल, करके देखिए एक बार। तो सी वन कितना आपका 20, ये माइक्रो में रहेंगे तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 5 टोटल पोटेंशियल है 12, कितना आया 20 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाय 12 दिया जाएगा 48/5, ठीक है। एक दूसरे तरीके से करते हैं, वी वन क्यू क्या होता है सीवी, तो वी वन क्या हो जाएगा क्यू बाई सी वन। क्यू कितना था आपके पास 48 माइक्रोफेराड, सी वन कितना आया आपके पास 20, सी वन कितना है आपके पास 20, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या भाई, टोटल चार इसके अक्रॉस कितना फ्लो कर रहा है भाई आपके पास, इसके अक्रॉस चार्ज कितना फ्लो कर रहा था आपके पास, एक बार देखो दोनों से आंसर सेम आएगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार चेक करो देखो टोटल चार्ज कितना था 12 × 48 48 माइक्रो कूलम, सी वन कितना है आपके पास, ठीक है एक बार इसको और निकालो, ये कितना बनेगा आपके पास यहां से सी टू कितना है 5, सी टू है आपके पास 5, एक मिनट भाई मैं गलती कर रही हूँ, ये हाँ इस फॉर्मूले में मिस्टेक हो रही है, इस फॉर्मूले में क्या मिस्टेक हो रही है, ये देखो सीरीज में क्या था, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्यू इक्वल्स टू सीवी, तो सीरीज में क्या सेम रहेगा चार्ज, तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगा, तो यहाँ पे सी टू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सी टू और यहाँ पे क्या आएगा सी वन, ऑप्शन सही आएगा आंसर, तो सी टू कितना आपका 5, ये 25 इंटू ये 12, ठीक है, तो सी टू कितना आपका 5 डिवाइड बाय 25 इंटू 12, तो कितना बन जाएगा ये 12/5। इसी तरह इसमें ये बनेगा सी वन बाय सी वन प्लस सी टू इंटू टोटल पोटेंशियल, सी वन कितना है आपके पास, सी वन क्या बन जाएगा 20 डिवाइड बाय 25 इंटू आपका टोटल पोटेंशियल 12, तो ये बन जाएगा आपके पास 25, तो ये बना पापा 25 48/5। अब दोबारा इससे निकालो देखो, अब V2 निकालोगे तो क्या है आपके पास Q इज इक्वल टू CV, तो V क्या बन जाएगा Q by C, तो Q कितना था आपका 48 और C कितना आपके पास यहां से ये 5, ठीक है, तो कितना आ गया 48/5, कितना आया 48/5, ठीक है। तो दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा, आप किसी भी तरीके को फॉलो करें, समझ आया, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आंसर जी आप इन दोनों तरीके से निकालो चाहे आप अलग अलग निकालो, दोनों ही तरीके से आंसर क्या आएगा सेम। देखो इसके भी आंसर कितना आया, पहले एक बार इसको लिख दूं, ये आंसर कितना आएगा 5 × 10 = 2.4, ये आ जाएगा 9.6 के आसपास, इतना आएगा लगभग, देख लेना। अब देखो अब निकालेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल फॉर्मूले से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 माइक्रोफेराड, किसके अक्रॉस निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 माइक्रोफेराड, तो क्या बन जाएगा क्यू बाई 20, क्यू कितना था 48/20, करो ये आपके पास किसके किसके अक्रॉस निकाला आपने 20 माइक्रोफेराड के अक्रॉस, ठीक है, ये आपका किसके अक्रॉस है 5 माइक्रोफेराड के अक्रॉस, तो कितना बनेगा करो सोल एक बार, तो क्या बनेगा आपके पास 5 × 5 2 से काट लेती हूँ 12 डिवाइड बाई कितना बचेगा भैया आपके पास ये 48/20, तो ये 12/5 ही तो आ गया भाई, तो आ गया 2.4, ठीक है, तो सेम आएगा आपके पास आंसर, और उसके अक्रॉस निकालोगे तो क्यू बाई कितना बचेगा 5, तो 48/5, तो 48/5 वही कितना आ जाएगा 9.6, तो दोनों ही मेथड से आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा, ये मेथड भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, इसको फॉलो कर लो या फिर आप लोग क्या करो ये क्यू इज इक्वल टू सीवी वाला फॉर्मूला लगा लो, अगर तुम्हें चार्ज पता है तो, चार्ज
चार्ज भी पता है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस भी पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगी, तो क्या बन जाए क्यू बाई 20 क्यू बाई 5। क्यू दोनों के अक्रॉस 48 था तो 20/5। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, आप इस मेथड से निकाल लो, आप इस मेथड से निकाल लो। समझ आया? लिखिए जल्दी से, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट। मैडम आप तो सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बताते हो, सारे अच्छे हैं भाई, मैं क्या करूँ, फिजिक्स ही अच्छी है। अभी मत कहना मन मन में गालियां मत देना कि गंदी है, बहुत अच्छी फिजिक्स है। जिसको नहीं समझ आती गालियां दे रहा होगा, है ना, मुझे भाई गालियां मत देना, मेहरबानी करना, ठीक है? हो गया बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का। अब तुम्हारी इसी की सीरीज चल रही है, दो तीन चार जो लेक्चर बनाऊंगी आपके सारे न्यूमेरिकल्स की बनेंगे अब आपके, ठीक है? तो सारे समझ आ जाएंगे सभी को। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 3 माइक्रोफेराड और ये है आपके पास 2 माइक्रोफेराड और ये है आपके पास 5 माइक्रोफेराड। यहां से आपके पास एक कैपेसिटर लगा रखा है उसने 4 माइक्रोफेराड और इन दोनों के अक्रॉस एक बैटरी लगा रखी है उसने 6 वोल्ट की, ठीक है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है फाइंड द चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफेराड एंड फाइंड चार्ज अक्रॉस चार्ज रेशियो 5 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड अक्रॉस द 5 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 1/2, ऑप्शन बी है 3/8, ऑप्शन सी है 5/4, ऑप्शन डी है आपका 4/5, ठीक है? तो आपको ये बताना है, ये आपका 3 माइक्रोफेराड है तो चार्ज का रेशियो बताना आपको। मान लिया इसके अक्रॉस चार्ज क्या है Q1 और इसके अक्रॉस चार्ज क्या है Q2, तो Q1/Q2 का रेशियो बताओ क्या होगा, ठीक है? निकाले क्वेश्चन को, सोल्व करना स्टार्ट करें। हो गया इतना सबका, लिख लिया क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, देखो तो यहां से 6 वोल्ट ही जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा 6 वोल्ट, तो यहाँ कितना बन जाता है 0 पोटेंशियल, क्योंकि इन दो एंड के बीच का पॉइंट हमेशा कितना रहेगा 6 वोल्ट, तो यहाँ 6 वोल्ट मानोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 0। इजी यही पड़ेगा, बाकी तुम कह दो 3 इधर है 3 इधर है तो कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन बन जाता है वहां, ठीक है? इसलिए एक साइड 6 तो एक साइड क्या मान लिया अपने 0, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच का कितना बन गया 6 वोल्ट बन गया। तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, देखो वैसे भी इसके साथ पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या बनेगी 6 वोल्ट ही बनेगी ना, तो इसके अक्रॉस चार्ज निकालो Q1, क्या बन जाएगा सी कितना 4, वी कितना 6, 4 × 10⁻⁶ × 6 24 × 10⁻⁶ तो यह आएगा 24 माइक्रोफेराड, कितना आ गया 24 माइक्रोफेराड। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है चार्ज अक्रॉस द 5 माइक्रोफेराड, तो इसलिए मुझे पहले इस सर्किट को सोल्व करना पड़ेगा, तो पहले मैं इस ऊपर वाले सर्किट को सोल्व करती हूँ इस वाले को, ठीक है? तो देखो पहले मैं इस सर्किट को निकाल रही हूँ, यहाँ पे ये 3 माइक्रोफेराड, ये दोनों देखो दिख रहे हैं आपको सीधे सीधे, किसमें है पैरेलल में, किसमें है ये पैरेलल में, पैरेलल में सीपी क्या बन जाएगा 2+5 कितना बन जाएगा 7 माइक्रोफेराड, तो सीधा लिख दूं मैं ये 3 माइक्रोफेराड और ये बना आपका 7 माइक्रोफेराड। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है? अब इन दोनों के देखो, अब ये पूरा सर्किट इसके पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी कितनी रहेगी ऊपर वाले के अक्रॉस 6 वोल्ट, अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका 6 वोल्ट है, तो क्यों क्या होता है सी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालो कैपेसिटेंस का, पहले ये दोनों किसमें आपके सीरीज में, ठीक है? तो मैं लिख लेती हूँ सी आर कितना बना 3 × 7 7+3 कितना आ गया 21/10 तो 2.1। तो अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया ऊपर वाला, सिर्फ मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, तो ये बना 2.1 और ये 6, तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q इज इक्वल सी कितना 2.1
और ये, तो कितना आ गया 12.6। अब ये दोनों देखो सीरीज में है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना रहेगा 12.6, इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना रहेगा 12.6, इन दोनों के अक्रॉस चार्ज कितना फ्लो करेगा 12.6 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो फैराड है ना बेटा, ना सॉरी कूलम ही है आपके पास ये, अरे हाँ माइक्रो कूलम, माइक्रो फैराड, तो ये माइक्रो कूलम आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना बचेगा माइक्रो कूलम, इसके अक्रॉस भी, अरे ये समझ आते हो ना, मैं बार बार लिखती हूँ, 3 माइक्रो है 10^-6 क्रॉस 7 इंटू 10^-6 डिवाइड बाय 10 इंटू 10^-6, तो 1 माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल, तो 21/10 गुना 10^-6, तो 2.1 इंटू 10^-6, इसको लिख सकते हैं ना 2.1 माइक्रो फैराड, तो मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है, समझ आ गया। ये 2.1 कैसे आया, तो ये इस तरीके, क्योंकि माइक्रो फैराड है ना, ये माइक्रो में है सारी वैल्यू, तो आंसर माइक्रो में आएगा। तो आपके पास ये 2 माइक्रो फैराड था, ये इंटू 6 वोल्ट था, तो कितना बन गया 12.6 माइक्रो कूलम। अब यहां से चार्ज कितना जा रहा होगा 12.6, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो इसमें से भी चार्ज कितना फ्लो करेगा 12.6 माइक्रो कूलम, और इसमें से भी चार्ज कितना फ्लो करेगा 12.6 माइक्रो कूलम, तो दोनों में चार्ज कितना फ्लो करेगा 12.6। अब देखो इसके अक्रॉस निकालो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि तुम्हें तो 5 के अक्रॉस चाहिए ना, तो Q क्या होता है CV, तो V क्या हो गया Q by C, Q कितना है 12.6 और V कितना है इसके अक्रॉस 7 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो फैराड, समझ आया नहीं आया समझ में, देखो अरे ये इसके इस कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 7 माइक्रो फैराड, इसके अक्रॉस चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 12.6, तो V निकाल सकते हो, V क्या होगा Q by C, तो कितना बन जाएगा यहां से आपके पास ये V की वैल्यू 12.6 डिवाइड बाय 7, ठीक है, माइक्रो से माइक्रो क्या हो जाएगा कैंसिल वोल्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस द 7 माइक्रो फैराड कैपेसिटर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये शायद आएगी आपके पास 7 1 1 1.8 के आसपास आ जाएगी, 1.8 के आसपास देख रहे हैं, 7 1 1 4 कितना बचे 5 7 8 56 1.8 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये 7 इस 7 के अक्रॉस कितनी है 7 वोल्ट, और ये 7 यहां से आया था ना इस वाले सर्किट में, अरे इन दोनों को मिलाया था तभी 7 वोल्ट आया था ना, तभी ये 7 माइक्रो फैराड आया था। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी 1.8, तो इस पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहती है सेम, तो 5 माइक्रो फैराड के अक्रॉस भी कितनी रहेगी 1.8 पोटेंशियल, और 2 माइक्रो फैराड के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितनी होगी 1.8 वोल्ट पोटेंशियल, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी रहेगी 1.8 1.8। इतनी बात देखो यहां तक समझ आया कि ये सीरीज में थे, सीरीज में थे तो इसके अक्रॉस चार्ज और कैपेसिटेंस पता थे, ठीक है, तो क्यू पता है सी पता है, तो वी निकल गई 1.8, अभी 1.8 7 माइक्रो फैराड के अक्रॉस, 7 माइक्रो फैराड इसमें है ना, मतलब इन दोनों में 1.8 वोल्ट पोटेंशियल फ्लो कर रही है, क्योंकि ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहती है सेम, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहती है ऑलवेज सेम, तो 7 माइक्रो फैराड मतलब 2 माइक्रो फैराड और 5 माइक्रो फैराड इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या फ्लो करेगी आपकी, सेम पोटेंशियल फ्लो करेगी, क्योंकि ये दोनों किसमें आपके पैरेलल में। तो आप देखिए यहां से, अब यहां से देखो इस नीचे वाले से, इससे पोटेंशियल पता है तो चार्ज निकाल सकते हैं, तो Q2 चार्ज क्या बनेगा CV 5 इंटू 10^-6 इंटू 1.8, तो ये बन जाएगा 18 × 5 = 90, 1.8 को डालो 10 लिख देते हो नीचे, तो 90 10 - 6, तो 9 माइक्रो कूलम, कितना है 9 माइक्रो कूलम, इतना लिखो जल्दी से, लिख लिया सबने, इतना इधर से कर लिया होगा, नहीं कर रहा है तो देखो मैं एक बार यहां लिख रही हूं, तो Q1 / Q2, Q1 कितना आया हुआ है देखो ये 24 माइक्रो फैराड, 24 माइक्रो फैराड, Q2 कितना है 9 माइक्रो फैराड, तो ये बन जाएगा आपके पास, तो 3 बाई Q
बाई एट। तो 4 to 5 का रेशियो पूछा होगा, तो 4 के अक्रॉस कितनी फ्लो कर रही है, 5 के अक्रॉस और 4 के अक्रॉस कितना आ जाएगा, 3/8। तो आंसर क्या, ऑप्शन में क्या था आपका, 3/8। तो ये क्या बन जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा, ऑप्शन देख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। और Q1 और Q2 पूछेगा तो 8/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, फिर से देख लीजिए, इसके अक्रॉस तो सिंपल था Q=CV। अब इसके अक्रॉस चार्ज निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालने के लिए पहले इस सर्किट को सोल्व करेंगे, इस सर्किट को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 7 माइक्रोफेरड। अब ये दोनों सीरीज में है तो इसके अक्रॉस टोटल चार्ज फ्लो करा 12.6। अब इसके अक्रॉस भी चार्ज उतना ही रहेगा, इसके अक्रॉस भी चार्ज होता है क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो इसके यहाँ से पोटेंशियल निकाली 1.8। तो 7 माइक्रोफेरड के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है, 1.8। 7 माइक्रोफेरड यहाँ से मिला था आपको, ये दोनों किस में पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 1.8, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 1.8। तो यहाँ से क्यू निकाल लेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस कैपेसिटर के डिस्कस करेंगे।